हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइलो यूनिक फैशन। दोस्तों आज हम कर रहे हैं 36 इंच कमर की पैंट की कटिंग। दोस्तों जो है इनका आगे से थोड़ा डाउन है, करीब आधा इंच। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नाप आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ रहा है। लंबाई 38 है और इन सीम 27.5 है और इनकी कमर 36.5 है, हिप 40 है, मोहरी 16 है, इनका घुटना 20 इंच है और इनकी थाई 25 इंच हमने नापी है। और ये बिगर प्लेट का पैंट है, आगे से जो है आधा इंच डाउन है, थोड़ा सा पेट वाला है पैंट ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे हमने थाई जो है नापी हुई है, पहले सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर मतलब ये कमर से स्टार्ट करते हैं। तो जितना हमने थंब थाई नापे रहते हैं वहीं से पहले निशान लगाते हैं। तो थाई देखिए हमने 25 इंच नापी है, तो 25 का आधा करेंगे तो 12.5 इंच आएगा। तो पहले 12.5 इंच पे कैसे निशान लगा देंगे और कपड़े को पहले देख लेंगे, कपड़ा हमारा एकदम बराबर है कि नहीं, दोनों पल्ला ऊपर नीचे का एकदम बराबर है कि नहीं, पहले कपड़े को एकदम बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है इस कोर से यहाँ तक हमने 12.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है और यहाँ से आगे से हम आधा इंच पर जो है ये ऐसे डाउन का एक निशान लगा देंगे। अब हम जो है ये निशान जो है पहला एक निशान लगाएंगे, एक निशान और एक निशान और लगाएंगे, जितना सिलाई के अंदर दबेगा उतना एक निशान और लगा देंगे। करीब जो है 3 सूत से आधा इंच दबता है तो हम इतना निशान एक और लगा देंगे। ये देखिए ऐसे निशान और शेप स्केल से निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम लंबाई के निशान लगाएंगे। तो लंबाई के निशान देखिए ये वाले नीचे वाले निशान से हम लगाएंगे, यहाँ इस निशान से जैसे 1.5 इंच का हम बेल्ट रखेंगे तो 1.5 इंच को, 1.5 इंच ये है, 1.5 इंच को इस निशान पे हमको रखना होता है। यहाँ ऐसे रख के एकदम इसको ऐसे सीधा जो है लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई देखिए 38 इंच है तो पहले 38 पे हम निशान लगा देंगे, 38 और इसमें 3 इंच दाब रख देंगे जो अंदर फोल्ड होगा, मोहरी के अंदर जो दबेगा तो 3 इंच, आप 3.5 इंच रख देंगे, आपको अपने हिसाब से जितना रखना है रख सकते हैं। अब देखिए 38 का जो है हम आधा करेंगे तो 19 इंच आएगा, इसमें 1 इंच और प्लस करके हम 20 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब हम देखिए इन सीम हमने 27.5 नापी है, देखिए ये 27.5 है, 27.5 को इस निशान पे हम देखिए ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के एकदम ऐसे सीधा ऐसे रखेंगे और यहाँ 300 जितना सिलाई में ये दबेगा उतना और इसमें ऐड करके निशान देखिए ऐसे लगा देंगे। अब हम सारे निशान को सीधा कर लेंगे। निशान एकदम सीधा रहेगा। ये हो गया। अब देखिए हमको अब यहाँ से स्टार्ट करना है तो पहले एकदम आगे से यहाँ से हम पहले कैसे निशान लगा के यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे पहला निशान, और इस निशान से हम हिप का जो है निशान लगाएंगे। पहले हिप का निशान देखिए कैसे लगेगा, हिप जैसे 40 है इसका चौथाई करेंगे तो 10 इंच आएगा, तो ये 10 इंच हो गया। और जितना दबेगा मतलब इधर जितना सिलाई में दबेगा और इधर जितना सिलाई में जाएगा उसको बढ़ा लेंगे, तो 1.25 इंच देखिए सिलाई में जाता है तो 1.25 इंच हम बढ़ा देंगे, मतलब 10 और 1.25 ये हो जाएगा 1.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से और यहाँ तक जो हम नापेंगे जितना आएगा उसका आधे पे एक सेंटर का निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए 12.5 इंच आ रहा है तो उसका सेंटर का निशान लगेगा 6.25 इंच, 6.25 हम नीचे से
नीचे इसके नीचे मोहरी तक जो है हम निशान लगा देंगे 1.25 इंच। देखिए यहाँ भी 1.25 इंच पे निशान लगा दे रहे हैं और यहाँ पर भी 1.25 इंच पे हम निशान लगा दे रहे हैं। अब देखिए घुटना हमने 20 इंच नापा है तो 20 है तो 20 का जो है हम चौथाई करेंगे तो 5 इंच आएगा। देखिए यहाँ से 5 इंच इधर और फिर इस निशान से 5 इंच इधर निशान रहेगा, मतलब देखिए 5 इंच को हमने यहाँ रखा है 5 इंच देखिए ऐसे और 5 का वही डबल करेंगे तो 10 आएगा, 10 इंच पे एक ऐसे निशान लगा देंगे। अब मोहरी देखिए 16 इंच है तो 16 का भी चौथाई हम करेंगे तो 4 इंच आएगा। देखिए 4 इंच जो है यहाँ से आगे फिर 4 इंच यहाँ इस निशान से इधर, तो ये हो गया 4 इंच और इस निशान से यहाँ तक 4 का डबल करेंगे 8 इंच आएगा, तो ये 8। अब देखिए ये निशान ये लगा है, अब हम सारे निशान को मिला लेंगे। सारे निशान को देखिए हम कैसे मिलाएंगे, इसको एकदम ऐसे सीधा एक निशान इसको ऐसे लगाएंगे और एक सीधा एकदम निशान एक ऐसे लगा देंगे। अब मोहरी का निशान देखिए लगाएंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, अब हमको यहाँ से यहाँ तक शेप स्केल से देखिए इसको ऐसे शेप दे के हमको निशान लगाना, देखिए ऐसे और ऐसे इधर भी हम मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ये हो गया। अब देखिए अब हमको कमर का निशान लगाना है, कमर देखिए 36.5 है तो ये यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे, यहाँ से 36.5 को चौथाई करेंगे 9 इंच एक सूत आएगा और इसमें करीब 3.25 इंच इसमें और ऐड करेंगे तो देखिए 0.25 इंच इसमें ऐड और करने के बाद आएगा 10 में एक सूत कम, तो 10 में एक सूत कम पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, ये देखिए हो गया। अब ये जितना बच रहा है इसको हम शेप दे के इसको ख़त्म कर लेंगे, तो देखिए ये इतना हमारा बचा हुआ है इसको यहाँ से देखिए ऐसे और यहाँ से ऐसे इसको मिला लेंगे, हल्का सा एक सूत का शेप हम इधर भी दे देंगे ऐसे। देखिए दोस्तों ये निशान हमारा ये लग गया है, अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों पास की देखिए कटिंग ये हो गई है, अब देखिए हमको इसको मिलाना है, मिलाकर हम इसको कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों इसको ऐसे यहाँ से और यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे मिलाएंगे, मतलब इस जो निशान है इस निशान पे हमको बराबर एकदम रहना चाहिए, इसको देखिए ऐसे रखेंगे, देखिए एकदम ऐसे बराबर ये आ रहा है। अब यहाँ पर चेक करेंगे देखिए एकदम ये बराबर देखिए आ रहा है, मतलब ये निशान और ये निशान एकदम बराबर आना चाहिए, देखिए एकदम बराबर आ रहा है। और यहाँ से जो है हमको देखना है ये निशान मतलब ये हमारा ये ऊपर वाला और इधर ये नीचे वाला, ये निशान यहाँ ये ऊपर वाला ये ऊपर वाला, इसमें 0.5 इंच नॉर्मल में हम रखते हैं तो इसमें 0.5 इंच और डाउन करना पड़ेगा, तो मतलब हमारा जो है इस निशान देखिए 1 इंच हमको मतलब 0.5 इंच हम नॉर्मल में डाउन करते हैं तो 0.5 इंच इसमें और डाउन है तो 1 इंच जो है हमको डाउन करना पड़ेगा ये ऊपर वाले निशान से, यानी ऊपर वाला निशान इस निशान पे हमको मिलाना पड़ेगा, ये देखिए इतना हमको ऐसे डाउन करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे हम सीधा करेंगे, सीधा करके हम पहले निशान को सही कर लेंगे, ऊपर वाले निशान को इस निशान पे हमको मिलाना है। अब इसको जो है ऐसे और इसको ऐसे निशान लगा के हमको निशान लगाना है,
ऐसे ऐसे। अब हम क्रॉस पॉकेट का निशान लगा देंगे। क्रॉस पॉकेट का निशान देखिए, ये आगे से जो है 2 इंची 2.25 इंची जैसा हमको शेप देना है उस हिसाब से दे के हम ऐसे निशान लगा देंगे, और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक निशान ऐसे लगाएंगे, और यहाँ से 6 इंच की पॉकेट का निशान लगा देंगे। देखिए 6 इंच हो गया ये। अब जो हम लंबाई का निशान चेक करके इन सीम का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच को हम ये निशान पे रखेंगे, 1.5 इंच पे से रख के लंबाई देखिए 38 है, तो ये 38 और 27.5 इन सीम में 27.5 पैसे रख के यहाँ ऊपर 300 दाब दे के इसको हम राउंड कर लेंगे ऐसे, और एक निशान लगा देंगे फ्लाई चैन वाला। ये देखिए निशान ये लग गया। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए फ्रंट की कटिंग ये हो गई है। अब देखिए हम बैक की कटिंग कर रहे हैं। कपड़े को पहले से सीधा कर लेंगे। इसे हम बराबर ऐसे रख के फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, नीचे से एकदम बराबर रख के, और इसको यहाँ से 1/2 इंच आगे इसको हम रखेंगे लगभग 1/2 इंच ऐसे। अब यहाँ इसी के सीधे एक निशान पहले ऐसे लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से 1 इंच डाउन हुआ था इसमें 1/2 इंच और प्लस की 1.5 इंच ऊपर जो है हम सीधा एक ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे। दोस्तों फ्रंट को हमने 1 इंच डाउन किया था, 1/2 इंच हम डाउन करते हैं तो उसमें 1/2 और प्लस 1/2 इंच और बढ़ाते हैं तो 1 इंच हो जाता है, 1 इंच बैक उठाते हैं, और इसमें 1/2 इंच इसका डाउन है पहले से तो 1/2 1 इंच हमने फ्रंट को डाउन किया है, इसमें 1/2 इंच और बढ़ाएंगे तो 1.5 इंच हमने जो है इसको बैक को ये वाला निशान हमने यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है। शेप स्केल से इसको देखिए ऐसे हम निशान ऐसे लगाएंगे ऐसे, देखिए ये जो है फ्रंट में जितना सिलाई में जाएगा उतना छोड़ देंगे, देखिए इतना सिलाई में जाएगा और इधर से भी जितना सिलाई में जाएगा उतना हम छोड़ देंगे, और यहाँ चिटे को ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पर देखिए इसको ऐसे रखेंगे, रख के इसी तरीके से ये बैक में भी जितना दाब जाएगा सिलाई में उतने पे हम इसको ऐसे आगे ऐसे बढ़ा लेंगे इसे रख के। अब देखिए जो है हिप जो है 40 है तो 40 का आधा करेंगे 20 इंच आएगा, तो 20 और अगर नॉर्मल फिटिंग है तो 1 इंच लूज करेंगे, फिटिंग पैंट है तो 1.25 इंच पे हम बढ़ा के निशान लगाएंगे, तो ये मीडियम में है तो ये फिटिंग पैंट है तो इसमें जो है 1.25 इंच पे हम निशान लगा दे रहे हैं, जितना हिप आ रहा 20 × 40 इसमें 1.25 इंच और बढ़ा के 21 इंच पे हम देखिए से निशान लगा दिए। इसी तरीके से कमर वाला निशान लगाएंगे, कमर देखिए 36.5 है तो इसका चौथाई करेंगे 9 इंच एक सूत्र आएगा, इसमें 1.25 इंच और ऐड करके हम एक ऐसे निशान लगा के इसके बाद हम इसका शेप वाला निशान लगाएंगे, देखेंगे शेप हमारा कैसा आ रहा है, तो शेप देखिए हमारा इतना आएगा ये ऐसे, तो इसको हम मिला लेंगे।
ऐसे मिला के, इसके बाद जितनी हमारी थाई आ रही है, हमारी देखिए थाई हमने 25 इंच नापी है, तो 25 इंच आगे से इतना सिलाई में जितना जाएगा छोड़ के, यहाँ जितना सिलाई में जाएगा उतना छोड़ के पीछे से, और आगे 25 इंच में आधा इंच और प्लस करके 25.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे दोस्तों जो है। इसके बाद जो है हम इसमें देखेंगे हमारी ये सीट कम अगर आ रही है तो इसको हम बढ़ा लेंगे, जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना हम पैंट का फ्रंट आगे ले जाएंगे। तो अब जो है अगर हम इसको 1/4 इंच अगर बढ़ा रहे हैं, देखिए ये 1/4 इंच हम इसको बढ़ा रहे हैं, ये 1/4 इंच, तो अब हम इसको 1/4 इंच और आगे लेके जाएंगे। देखिए यहाँ से हम ऐसे निशान लगा दे रहे हैं यहाँ से नीचे से ऊपर तक, अब हम 1/4 इंच इसको जो है हम आगे लेके जाएंगे फ्रंट को। देखिए कैसे लेके जाना है, इसको हम मिला लेंगे पहले, ये भी मिला लेंगे ऐसे और ऐसे, देखिए ये देखिए ये हो गया एकदम। देखिए इसको सीधे निशान लगाए और जो हम ये निशान लगाए थे यहाँ लगाए थे उतने ही, देखिए इसको हम फ्रंट को रख लिए हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ नापेंगे कितना आ रहा है, देखिए ये 1/3 इंच आ रहा है, तो इसका आधा जितना आएगा 1/3 का आधा आएगा लगभग 1.5 इंच में एक सूट कम, तो हम 1.5 इंच में एक सूट कम पे निशान लगा देंगे और यहाँ पर 1 इंच एक सूट पे हम निशान लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे सीधा निशान लगाएंगे ऐसे और इसको मिला लेंगे ऐसे और ये ऐसे, ऐसे इसको ऐसे, क्योंकि हमने जो पैंट जो फ्रंट आगे किया है तो इसको हमको यहाँ घुटने से जो है यहाँ से लेके हिप तक हमको मिलाना है। तो देखिए इसको हम यहाँ से लेके हिप तक में हमने इसको मिला दिया है दोस्तों जो है, देखिए निशान ये लग गया है। चलिए अब हम हिप पॉकेट का निशान लगा दे रहे हैं। हिप पॉकेट का निशान दोस्तों जो है देखिए ये सीधे वाले निशान से 1/3 इंच पे, यहाँ पर भी 1/3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ इस निशान से 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और पॉकेट हम 5 इंच की रख देंगे, 5 × 5 जो भी साइज रखना है आप रख दीजिए अपने हिसाब से, लेकिन 5 इंच की रख दीजिए, 5 इंच की पॉकेट ठीक रहेगी। और इसका सेंटर का एक निशान लगा देंगे। अब इसको ऐसे ऐसे निशान लगा के अब इसमें जितना हमारा इसमें डाट आ रहा है, देखिए जो है कमर देखिए 36.5 है, तो 36.5 से चौथाई का 9 इंच एक सूट आ रहा, देखिए 9 इंच 1 सूट ये आ रहा है इस निशान से यहाँ तक, देखिए हमने ऐसे किया और इसमें 3 सूट जो दाब जाएगा यानी 9.5 इंच, 9.5 के बाद देखिए इसमें बच रहा है 1/4 इंच बच रहा है, तो 1/4 इंच के हम इसमें डार्ट दे देंगे। ये देखिए ये हो गया और ये हो गया, 1/4 इंच का हम निशान लगा दिए हैं। अब देखिए ये निशान हमारा पूरा हो गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए पैंट की कटिंग ये हमारी पूरी हो गई, और कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।